Hello and assalamu alaikum, listeners and viewers. This is me, your host Fahad, Younis, and show hai Meri. In this episode, mein aapko pata hai ki hum log aapko ek aise cyber kid se milwane ja rahe hain jinka naam hai Muhammad Huzair Awan, aur bahut se hamare youngsters aur bahut se log inhe jante bhi hain. Ek cyber kid hain aur aap jo hai wo brand ambassador bhi hain IEEE ke liye. Iske alawa aap unofficial member hain IEEE department jo ke Fast University mein hai. और भी बहुत सारे आप काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और इतनी छोटी उम्र में जो है वो माशाल्लाह आपने बड़ा नाम कमाया है. तो आज हमारे साथ वो लाइव मौजूद हैं लाहौर से. हुज़ैर, मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियोज, मोस्ट वेलकम. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, तो हुज़ैर पहले तो अपनी उम्र बताइए और अपनी क्लास बताइए. माशाल्लाह 9 साल की उम्र है आपकी और आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी हैं. तो ये सारी चीजें कैसे आपकी स्टोरी शुरू हुई, थोड़ा जरा अपने बारे में बताइए. मैंने गेम से स्टार्ट किया एंग्री बर्ड फेसबुक पे, पापा के आईडी से खेला करता था. तो उधर से फिर कंप्यूटर से खेलते थे. अच्छा. तो फिर उस टाइम से फिर मैंने कभी कभार पापा का सिस्टम भी करप्ट किया, जब उनका अपना सिस्टम था वो भी करप्ट किया. तो फिर पापा ने मुझे एक अपना सिस्टम ला के दिया. 5 इयर्स का था जब मुझे विंडो एक्सपी इंस्टॉल करनी आती थी. गुड. कभी कभार सिस्टम खराब हो भी जाता है तो मैं पापा को कहता हूँ, पापा इसको सही करना है, कैसे करना है. तो पापा कहते हैं खराब किया ना, उसको सही भी खुद ही करो. तो फिर मुझे विंडो एक्सपी सीख गया मैं. इस तरह फिर मैंने कंप्यूटर में इंटरेस्ट हुआ. माशाल्लाह. तो उज़ैर, हमें जो है वो बहुत सारे इस वक्त लिसनर्स भी सुन रहे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स हमें देख भी रहे हैं फेसबुक पर. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त आपके करंटली जो लर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, थोड़ा गाइड कीजिए. मैंने अपनी एक आजकल तो मैं दिस डेज आई एम वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैंने अपना रोबोट भी बनाया है. माशाल्लाह. बताइए थोड़ा उस बारे में ना. ब्लूटूथ कंट्रोल है वो लाइन पर लाइन फॉलोअर है और इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल है, अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल आया तो वो मूव हो जाए, लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, इस तरह. अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड. और वेब ऑटोमेशन है, लाइट्स कंट्रोल हो रही है वेब के साथ. और ये मेरा रिमोट. ओह माय गॉड, आपने रिमोट अपने पास रखा हुआ है, तो जरा दिखाइए इसमें और इसका थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. ये आपने कहाँ पे बनाया, कितना अच्छा लगा बनाने में, और जो है वो थोड़ा सा शेयर कीजिए इसकी स्टोरी. आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर जो सबसे असली है, जिसमें कोडिंग वगैरह होती है, मोटर्स लगी हुई है, व्हील्स और रोबोट है जिससे सारी चीजों को करंट सप्लाई हो रहा है. ये लाइन फॉलोअर है और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है इस तरह, ये इधर मोटर ड्राइवर है जो मोटर्स को कंट्रोल करता है, उतना ही से करंट पास करता है इस तरह. हां, गुड गुड गुड. तो हुज़ैर जरा ये बताइए, ये आप जो काम कर रहे हैं छोटे छोटे, तो आपकी उम्र के और जो बच्चे हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मतलब क्या कहना चाहेंगे उन्हें जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त या देख रहे हैं? डोरेमोन ना देखें. हाँ, और अगर उनको इंटरेस्ट है तो उनके पेरेंट्स वगैरह उनको सपोर्ट करें. इस तरह तो फिर वो भी ये कर सकते हैं. तो पेरेंट्स को आप कैसे मैनेज करते हैं? आपने स्कूल की भी स्टडी करनी है, तो पेरेंट्स को कैसे राजी करते हैं अम्मी अब्बू को कि आपने ये काम भी करने हैं और स्टडी में भी टाइम निकालना है, तो ये कैसे मैनेज करें बच्चे, जरा बताएं ना उन्हें.
मम्मा वगैरह कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन पापा फिर भी सपोर्ट कर देते हैं कंप्यूटर में इस तरह के, अच्छा कंप्यूटर कर ले इस तरह। पापा अच्छा, सपोर्ट करते हैं, पहले भी यही हुआ था कि नजर खराब हो जाएगी इस तरह करके। तो हुजैर जरा ये बताएं, हमारे लिस्ट व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे कि आप जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट, कैसा कुछ बड़ा करने का इरादा है, क्या करने का इरादा है, कुछ अपकमिंग आपके प्लान प्रोजेक्ट्स जो आप बताना चाहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जाना चाहता हूँ। हाँ मेरा अभी तक जब मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेशन की थी तो उस टाइम मेरा था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जाऊँ, ठीक है। तो अब मैं रोबोटिक्स के ऊपर वर्किंग भी कर रहा हूँ। और जो आपकी फर्स्ट थी सर्टिफिकेशन, वो किस ईयर में थी और कहाँ से थी, ये भी बताइए जरा। सेवन ईयर में कॉलेज से मैंने प्रोग्रामेटिक सेंटर था माइक्रोसॉफ्ट का, उन्होंने उधर से मैंने की थी, और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन थी। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, उसके बाद हमें बहुत फख्र है माइक्रोसॉफ्ट आपसे। सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएशन। और उजैर जरा ये बताइए, माशाल्लाह ये आपके पास अवार्ड्स हैं, इसके अलावा कहाँ कहाँ से जो है वो आपने सर्टिफिकेशन हासिल की है और कहाँ कहाँ से अवार्ड्स लिए हैं, थोड़ा अपनी कामयाबियों का जिक्र भी कीजिए ना। पास यूनिवर्सिटी से मैंने अवार्ड्स लिए हैं ऐप डेवलपमेंट, और माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, और आईटी सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन द एज ऑफ 8 in 2014। आई मेड माई ओन रिकॉर्ड अच्छा, और फ्रॉम 150 कंट्रीज राउंड अबाउट 12 मिलियन स्टूडेंट, एंड आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द यंगेस्ट स्टूडेंट हु पास दिस एग्जाम। और इसी तरह फास्ट यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट्स लिए हैं एलिमेंट्री रोबोटिक्स वर्कशॉप और ऐप डेवलपमेंट। तो उजैर भाई जरा ये बताइए, माशाल्लाह आपने इतने सारे जो है वो सर्टिफिकेशन ली हैं, कामयाबियां ली हैं, जो और बच्चे आपकी उम्र के ऐसे काम करना चाहें इस तरह के सर्टिफिकेट्स के लिए, वो इस तरह के कंपटीशन के लिए वो अप्लाई करना चाहें, तो उन्हें क्या करना चाहिए, आप वो कैसे आए आगे। इंटरनेट की वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट है, उधर से आप ले सकते हैं, और अगर उसका इंटरेस्ट है इस तरह की तो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स मेरे जैसे ही कर सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक बता दीजिए, कौन सी वेबसाइट है और क्या करना होगा स्टूडेंट्स को जो वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट है, उधर जाकर उधर सारी माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम उधर सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा ठीक है, गुड हो गया। तो जहर जरा ये बताइए अभी जो है वो, जैसे मैंने आपसे शुरू में पूछा था एक क्वेश्चन कि जो आपकी उम्र के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर, उनके लिए इश्यूज होते हैं कि वो जो है वो कहते हैं कि जी स्कूल का बहुत बर्डन है, स्टडी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजों का उन्हें जो है वो मतलब, इस एज में आपने इतनी कामयाबियां ले ली हैं लेकिन आपकी एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी सिर्फ स्कूल के ही हैं, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ बेसिकली उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई मोटिवेशन, उन्हें क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। 7th ग्रेड में अगर ए ग्रेड ना आए तो कौन सा हो जाता है, क्या रिश्ता नहीं आएगा क्या, तो हाँ कर सकते हैं। मैं भी तो 9 ईयर का हूँ, मैं 7 ईयर की ईयर में सर्टिफिकेशन की थी, उस तरह वो भी कर सकते हैं क्यों नहीं। टाइम मैनेजमेंट, डोरेमोन ना देखें। अच्छा, कोई ऐसी तीन चीजें बता दें, कोई तीन एडवाइसेस कर दें स्टूडेंट्स को कि जिनसे जो है वो जल्दी आगे बढ़ सकें। बताई तो है टाइम मैनेजमेंट, और अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो किसी इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन लेवल इस तरह का, उनके पास अपना कंप्यूटर भी होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह इस तरह उनको नॉलेज हो।
ठीक है, गुड है, तो कर सकते हैं। अच्छा, तो उज़ैर अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे जो है वो कुछ सीखना चाहे, कुछ आपको फॉलो करना चाहे सोशल मीडिया पर, तो किस तरह से लोग जो है वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप अपने ज़राए बताइए कांटेक्ट के। तो हुज़ैर भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि मुख्तसर है, तो मैं चाहूंगा एट द एंड जो है वो आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, या और लोग जो आपको सुन और देख रहे हैं, तो जरूर अपने मैसेज कन्वे कीजिए। मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ, मैं एक 9 साल का पाकिस्तानी बच्चा हूँ। मैं स्कूल की स्टडीज कम्प्लीट करता हूँ, कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, और कंप्यूटर की स्टडीज भी करता हूँ, और आल्सो प्ले अ गिटार, थिंक लाइक अ प्रोटॉन हमारे शो के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह हम जो है इन फ्यूचर भी आपके साथ और एपिसोड्स करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स आपसे सीख सकें। फिल वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एक मरतबा फिर से कि आपने टाइम निकाला, स्पेशल टाइम दिया हमारे शो के लिए। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। Thank you.